आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर इस देश का विभाजन, माननीय आपका अंकित हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका अंकित हो रहा है, नहीं हो रहा होगा। आखिर में अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, धर्म के नाम पे। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में टू नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा बोलिए। अध्यक्ष जी मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता पक्ष जानता है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं, हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं और ये जनता भी जानती है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। पर मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इतिहास की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है और आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, फिर माननीय सबका अपना अपना मान्यवर, इनको सभी सदस्य कह रहे हैं भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। क्या आप, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड की बात है। मैं भूगोल को जानता हूं, इस देश की भूगोल को जानता हूं, मैं यही कहूं। माननीय बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कैसे बैठ जाए आज मान्यवर? ठीक है, बैठ कैसे जाए मान्यवर? मान्यवर मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इस देश का 106 किलोमीटर का जमीनी सरहद, मान्यवर शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। मैं क्या कहूं, मान्यवर मैं सभी सदस्यों को आपके माध्यम से विनंती करता हूं कि मेरे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को जरा धैर्य से सुने, सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं,
सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ना। अरे वो भी एक है मान्यवर। अब ये जो तीन देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों देश के संविधान को हमने बारीकी से देखना पड़ेगा अगर इस बिल के तत्वों को समझना है। अखिलेश जी जल्दी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर इनको इतना है तो रमेश जी, मान्यवर अफगानिस्तान का संविधान, मान्यवर अफगानिस्तान का संविधान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का संविधान, उसका अनुच्छेद 2 पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब स्टेट का एक धर्म है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके अनुच्छेद 2 को देखिए, इसमें प्रावधान है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश के अनुच्छेद 2 क में रिपब्लिक राज्य बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है। मैं इसलिए ये तीनों पड़ोसी देश के धर्मों का जिक्र करने वाला हूं, कर रहा हूं मान्यवर, क्योंकि ये जो माने सुरेश प्लीज सिट डाउन, माने सुरेश सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मान्यवर में बात हो गया माननीय सुरेश, एक सेकंड, नहीं प्लीज बैठ जाइए एक सेकंड। मान्यवर मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं बिल पर नहीं हूं, बिल की कॉम्पिटेंसी को समझा रहा हूं। अब जब आपके वक्तव्य के अंदर दयानिधि महाराण जी लंका का पूछेंगे जरूर जवाब दूंगा, मगर मैं अभी बिल की वैधानिक कॉम्पिटेंसी के बारे में कह रहा हूं। ये नहीं है, वो नहीं है, चीन जो दुनिया के जो देश का पूछना है वो पूछ लीजिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। मान्यवर अब आप तो बैठ जाइए सर। मान्यवर ये तीनों जो देश है, ये तीनों देश के संविधान के अंदर वो राज्य का धर्म का जिक्र है। अब पार्टीशन के वक्त शरणार्थियों का यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना हुआ, उस वक्त नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में, मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा, मगर नेहरू लियाकत समझौते के अंदर उस वक्त दोनों पाकिस्तान थे, पूर्व पश्चिम और भारत, उसके बीच में समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां माइनॉरिटी के संरक्षण की व्यवस्था का गारंटी दिया। दुर्भाग्य से यहां पर इसकी अनुपालना ढंग से हुई और ये तीनों राज्यों के अंदर माइनॉरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा मान्यवर, इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार, और वो अत्याचार के मारे धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, हिंदू, हाँ मुस्लिम, एक मिनट को मत पकड़े दानिश अली, क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। मान्यवर हिंदू, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मान्यवर, एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट इतने अधीर मत होइए अधीर रंजन जी, बैठिए जरा। हाँ बोलें, आपके भाषण का समय आएगा। आप एक मिनट मान्यवर, ये सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा। माननीय प्लीज, मान्यवर
मान्यवर, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये छह मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। ये बिल जो मैं लेकर आया हूं, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए मान्यवर प्लीज। मान्यवर जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर, यहां कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। एक मिनट बैठ जाइए। हाँ प्लीज, मानिए, इनका जवाब मत दीजिए आप।